चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिवीजन हिप सर्जरी का सफल ऑपरेशन किया गया। सुरेंद्र कौर उम्र 55 निवासी देवी देहरा की इसी साल फरवरी में कूल्हे की हड्डी टूटी थी। महिला का ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश से बाहर हुआ था। ऑपरेशन के बाद भी हड्डी जुड़ी नहीं थी, इसी वजह से मरीज को काफी समस्या पेश आ रही थी। इस हालत में मरीज का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। मेडिकल कॉलेज चंबा में ऑर्थो विभाग की टीम प्राइमरी सर्जन डॉक्टर माणिक सहगल, प्राइमरी असिस्टेंट डॉक्टर गुरजट सिंह संधू, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद आदि की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। पुरानी रॉड और पुराने कूल्हे को निकालकर नया कूल्हा लगाया गया। क्या कहना है महिला मरीज सुरेंद्र कौर का, सुनिए। मैं 7-8 महीने पहले चोट आई थी मेरे को पैर में, तो मैंने ऑपरेशन करवाया था चंडीगढ़ में, तो वहाँ कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ फिर मैं मानिक सर के पास आई, तो उन्होंने दोबारा रिप्लेस करके मेरा कूल्हा चेंज करा, तो अभी मैं ठीक हूँ। जंत जी का और ये सारे स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन किया। अभी 4 दिन ही हुए हैं ऑपरेशन हुए मेरे। हॉस्पिटल में मैं मानिक सर से पहले भी मिली थी, तो मेरे को अच्छा लगा, तभी मैं मानिक सर के पास आई थी। ठीक है। डॉक्टर माणिक सहगल ने कहा कि ये ऑपरेशन चंबा में पहली बार हुआ है। ऑपरेशन करीब 2 से 2.5 घंटे तक चला। क्या कहते हैं डॉक्टर माणिक सहगल, सुनिए। जैसे ही आपको पेशेंट ने ही बताया है, सर्जरी क्या सबसे ज़्यादा जो बता सकता है उसका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो पेशेंट ही बता सकता है। पेशेंट ने हमको बताया, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे किसी को कोई मेरे पास विकलांगता में आए या डिसेबिलिटी में आए और चल के हमारे सामने से जाए, तो बहुत ही इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब जब डोलोजी से पेशेंट चंबा आने शुरू हो गए हैं, जो पेशेंट पहले टांडा पठानकोट जाते थे, और यहाँ उनका इलाज संभव हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें सर का योगदान है, सर शुरू से ही अपना आशीर्वाद रखते हैं। मेरी टीम है जो ऑर्थो डिपार्टमेंट की है, हमारे हेड हैं डॉक्टर सुभाष हैं, सर्जरी में जो मेरे साथ थे डॉक्टर गुरजंत सिंह थे जो हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, वो सुबह शाम यहाँ रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उन सबका योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सर्जरी सफल होगी। मैं सभी लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं हॉस्पिटल की, उसके बारे में भी देखना चाहिए। काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, टाइम बदल रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये मुश्किल जो ऑपरेशन था काफ़ी मुश्किल था, एक तो मरीज़ थोड़ा वजन भी ज़्यादा है, 8-9 साल पहले एक सर्जरी 8-9 महीने पहले ही एक ऑपरेशन हुआ था जो फेल हो गया, उसकी वजह से 8-9 महीने से चल नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से जो हड्डियाँ थी अंदर वो काफ़ी कमज़ोर हो रखी थी। पर जो हमने इसमें फिर वो सामान निकाला, वो किस तरीके से निकाला उस पर हम अपना एक पेपर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो हमने इस तरीके से निकाला है कि जो खर्चा कम आए, और दूसरी बात फिर इसमें जो इन्होंने नया इम्प्लांट डाला है, जो कूल्हा डाला है, इन पेशेंट को हम 7-8 दिन के अंदर चलने के लिए चला देंगे और पेशेंट उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाए। सर्जरी को अमूमन कूल्हे बदलने की सर्जरी को 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर क्योंकि ये रिवीजन आर्थोप्लास्टी थी, इसमें जैसे 2-3 सर्जरियों के बराबर, तो हम 2-2.5 घंटे लगे थे। हमने ऑपरेशन को 11:30 शुरू किया था, 2:30 बजे 2:45 बजे मरीज बाहर आया। कितना खर्चा है सर्जरी? ये जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है उससे आधा खर्चा जो है यहाँ पे आया है, क्योंकि सिर्फ जो इम्प्लांट लिया है इन्होंने, इम्पोर्टेड इम्प्लांट लिया है, तो उसी का ही खर्चा आया है, और कोई खर्चा नहीं। कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने समस्त टीम को बधाई दी है। क्या कह रहे हैं चंबा मेडिकल कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता, सुनिए। ये बड़ी हर्ष की और ये बहुत बात है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए कि हमारे आर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर मानिक हैं हमारे, उन्होंने ये सॉर्ट ऑफ रेयर सर्जरी कहेंगे, क्योंकि ये रीडू सर्जरी होती है। एक होती नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट होती है, उसमें तो सिंपल है, बट वो भी सिंपल नहीं है, खैर वो तो इन्होंने काफ़ी किए हैं, बट ये जो ऑलरेडी एक बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट ने सर्जरी करवाई थी काफ़ी देर पहले, और उसके बावजूद भी वो थोड़ी सी उसमें शायद कॉम्प्लिकेशन हुई और ये अपना वेट बेयर नहीं कर पा रहे थे, इनका नेक फ्रैक्चर, नेक का फीमर हुआ था। फिर इन्होंने यूजली ये सर्जरी पहले चंबा में नहीं होती थी, और डॉक्टर मानिक और उनकी टीम और एनेस्थीसिया की टीम सारे ने मिल के ये सर्जरी की है, और ये उसको पहले वाले को ठीक करके एक नई सिरेमिक प्लेट डाली है उसमें। तो मैं इसके लिए पूरे आर्थो डिपार्टमेंट को और स्पेसिफिकली डॉक्टर मानिक को बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ, क्योंकि पेशेंट से भी मैंने बात की और पेशेंट इतने सेटिस्फाइड है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे पेशेंट हमारे ऐसे ही जाएँ। हमारी कोशिश यही रहेगी, और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं हमारी जो पॉजिटिव, जो हम आपको बता नहीं पाते हैं, वो आप आगे आगे बताएं सबको,
तो ये एक बार फिर मैं डॉक्टर मानिक और उनकी टीम और एनेस्थीसिया की टीम डॉक्टर सलोनी है और उनकी टीम को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये अचीवमेंट है हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए। और इससे पहले हम ये सोच नहीं पाते थे कि ये वाली सर्जरी हम यहाँ करेंगे, टांडा के लिए भी ये मुश्किल थी सर्जरी, बट हमने यहाँ करके अब ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि अब हम यहाँ से रेफर मिनिमम पेशेंट करेंगे और जितनी ज़्यादा हम यहीं पे पेशेंट की ट्रीटमेंट करें उतना हमारे लिए ठीक है। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े एक दो महीने के बाद हमारे पास बाकी डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, काफ़ी जो हमारे पास शार्टेज काफ़ी ज़्यादा है उसके बावजूद भी हम ये कर रहे हैं और हमें लगता है कि 5-6 महीने में हमारी शार्टेज अगर कम हो गई तो हम और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे। थैंक यू। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।